Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So first, मैं अपनी फेस को क्लीन करके टोनिंग कर ली थी. Next for moisturizer, I am using Alps Goodness Sandalwood Gel. आप कोई भी फेस जेल या मॉइस्चराइजर यूज़ करो, उसे यूज़ करो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से. ये फेस जेल मैं बहुत अच्छे से अपनी फेस पे अप्लाई करूँगी. आप कोई भी टाइम पे मेकअप करो, डे हो या नाइट हो, बट मॉइस्चराइजर को अप्लाई ज़रूर कीजिए. नेक्स्ट फॉर प्राइमर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टे क्यूर की प्राइमर ऑयल. मेरी स्किन टाइप सेंसिटिव है, पर होता है ना कि विंटर के टाइम पे मेरी फेस के जो टी जोन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. अगर आप ऑयली स्किन टाइप के हो तो ऑयल बेस्ड प्राइमर बिल्कुल यूज़ मत कीजिए. प्राइमर भी ऑलवेज अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करना चाहिए. सो नेक्स्ट फॉर कलर करेक्टिंग, इफ़ यू हैव एक्नी प्रोन स्किन लाइक मी, तो आप लोगों को तो पता ही है ये एक्नी से कितना दाग धब्बा हो जाती है. सो यहाँ पे मैं अपनी फेस पे कलर करेक्ट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टे क्यूर की ऑरेंज कलर करेक्टर. आप आपके हिसाब से कोई भी ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कीजिए. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर ऑरेंज कलर करेक्टर, लाइक इन वाई बे ऑरेंज कलर करेक्टर. ये तो आप लिक्विड फॉर्म में भी और स्टिक फॉर्म में भी पा सकते हो. और भी है, स्टे क्यूर की एक पैलेट आती है, पर्पल की होती है, तो नायका की होती है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप लोग कुछ हाई रेंज में पाना चाहते हो तो आप गो फॉर नायका ऑरेंज कलर करेक्टर एंड गो फॉर पैक ऑरेंज कलर करेक्टर. कलर करेक्टर को अप्लाई करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करके इसको हल्का हाथों से अच्छे से ब्लेंड कीजिए. स्नैच मत कीजिए, टाइम लो और हल्का हाथों से अच्छे से इसको ब्लेंड करो. ब्लेंड करने के बाद कोई भी लूज पाउडर से अपनी फेस को सेट कर दो.
इससे क्या होता है ना कि आपने जो अपनी फेस पे कलर करेक्ट किए हो ये भी सेट हो जाता है। एंड अगर आप कलर करेक्ट करने के बाद ही फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो ऑरेंज कलर करेक्टिंग के वजह से क्या होता है ना कि फाउंडेशन एंड ऑरेंज कलर करेक्टर के कलर मिक्स होके ना एक ऑरेंज ऑरेंज शेड आती है, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते। नेक्स्ट अपनी आँखों को कंसील करना है। सो यहाँ पे मैं अपनी आँखों को कंसील करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 40 कैरामेल। यहाँ पे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो कंसीलर ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। अपनी आँखों को कंसील करने के बाद कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर से कंसील को सेट कर लो। नेक्स्ट फॉर फाउंडेशन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल फाउंडेशन इन द शेड 330 हेजलनट। आप लोग चाहो तो फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश से भी अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से क्या होता है ना कि फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो जाती है। और हमेशा अपने फाउंडेशन की शेड को बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए। क्या है ना कि अगर आप कोई भी लाइट शेड की फाउंडेशन को यूज़ कर रहे हो तो आपकी फेस की एक कलर और आपकी बॉडी की और एक कलर, तो ये बहुत ही गंदा दिखता है। फाउंडेशन को भी स्नैच करके ब्लेंड मत किया कीजिए, टाइम लीजिए एंड अच्छे से हल्का हाथों से डब डब करके फाउंडेशन को ब्लेंड कीजिए। फॉर कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड कैरामेल। कंसीलर को भी बहुत अच्छे से हल्का हाथों से टाइम लेके ब्लेंड करो। फाउंडेशन के बाद जो कंसीलर यूज़ किया जाता है उस टाइम को कंसीलर के लिए अपनी शेड से एक शेड या दो शेड लाइटर यूज़ कीजिए। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद कोई भी लूज पाउडर को अंडर योर आईज अप्लाई कीजिए। लूज पाउडर को अप्लाई करने के बाद कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी फेस को फुल फेस को सेट कर लीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए कोई भी फ्लफी पाउडर ब्रश से लूज पाउडर को अप्लाई करने की। फेस को सेट करने के बाद नेक्स्ट मैं उसी पाउडर ब्रश से अपनी
लूज पाउडर को डस्ट ऑफ कर दूंगी। नाउ माय बेस मेकअप इज डन। जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगे। अगर कहीं पे भी मैं थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।